यूपी के बरेली में असलहा लहराते हुए दबंगों का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दबंग स्कॉर्पियो गाड़ी में हूटर बजाते हुए और असलहा लहराते हुए नजर आए। यह वायरल वीडियो बरेली के मीरगंज का बताया जा रहा है। वहीं सूचना मिलते ही बरेली पुलिस ने दबंगों की जो गाड़ी है में से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और हो सकता है कि इनकी गाड़ी भी सीज हो। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वायरल तस्वीरें हैं, ये किस उद्देश्य से बनाई गई थी। वीरगंज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक गाड़ियों में बैठकर असलहों का प्रदर्शन कर रहे हैं। गाड़ी नंबर के आधार पर लोगों को ट्रैक किया गया है तथा दो लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो लाइसेंस हैं वो उनके परिवार के लोगों के ही हैं, लिहाजा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण जो है 30 आम से कम मुकदमा लाइसेंस होल्डर के मुकदमे पंजीकृत किया गया है। और जो संबंधित गाड़ी है स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, उसको भी सीज किया गया। आपको बता दें कि ये दबंग दो कारों से छत पर बैठकर असलाह लहराते हुए नजर आए हैं। इनका उद्देश्य क्या था, किस मकसद से ये इकट्ठा हुए थे, हालांकि पुलिस अब पूरे मामले में जांच कर रही है। कुछ आरोपियों को जो कि इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। अधिक जानकारी के साथ शशांक राठौर जुड़ गए हैं, सहयोगी। शशांक, जो ये नज़र आ रहे हैं ये युवा हैं और कुछ तो ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन जो शायद 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, ये किसके असलाह हैं और ये लेके क्यों घूम रहे थे? क्या कुछ इस पूरे मामले पे निकल कर आया है सामने? क्या इनका उद्देश्य था? किसी वीडियो वीडियो के लिए ये इस तरह के स्टंट कर रहे थे? कहाँ जा रहे थे? दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के रामगंगा बाबा कैलाश मणि पैटून पुल का बताया जा रहा है, जिसमें तीन कारों पर कुछ युवक गाड़ियों पर पुलिस का सायरन बजाते हुए हथियारों का प्रदर्शन कर रहे थे। और इतना ही नहीं, तेज गाड़ियां दौड़ाते हुए छत पर बैठकर असला लहराया जा रहा था इनपे, और कुछ लड़कों पर लाइसेंसी शस्त्रों का खुलेआम प्रदर्शन का वीडियो बना रहे थे, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। दीपक, बिल्कुल, लेकिन इनका मकसद क्या था इस तरह से अपनी दबंगी दिखाने का, असला लहराने का? कितने कोई लाइसेंस थे, कितनों के नहीं थे? मैं दीपक आपको बताना चाहूंगा, ये स्टंटबाजी और असला लहराते हुए अपना रील वीडियो बना रहे थे और ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी युवक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या इनकी गाड़ियां भी सीज की गई हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक, मीरगंज बरेली पुलिस द्वारा इनके लाइसेंसी शस्त्रों को लेकर प्रदर्शन करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर प्रदर्शन में प्रयुक्त कार को एमबी एक्ट में सीज कर दिया गया है और लाइसेंसी शस्त्रों को बरामद कर सुसंगत धाराओं में इनका अभियोग पंजीकृत किया गया है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, शशांक। तो ये थे हमारे सहयोगी जिन्होंने ये जानकारी दी है कि इन सभी जो आरोपी हैं इस तरह के स्टंटबाजी करते हुए असलहा लहरा रहे थे, गाड़ी भी सीज कर दी गई है, शस्त्रों के लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद इन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।